हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। गांव लक्ष्मणपुर, पंचायत मिंदरवाहा, ब्लॉक महरौनी, जिला ललितपुर। गांव लक्ष्मणपुर के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में कई पंचवर्षीय निकल गई हैं और अभी तक आवास नहीं बने हैं। सिर्फ इस पंचवर्षीय में 5 या 6 आवास के करीब बने हैं और यहाँ पर करीब 100 परिवार से ऊपर ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आवास के लक्ष्य में आ रहे हैं, फिर भी इनके आवास नहीं बने हैं। सरकार का कहना है कि हर घर में शौचालय और आवास अनिवार्य है, पर भी इन गांव में ना तो शौचालय बने हैं ना कोई आवास नहीं बना है। आवास ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। देखिए, जैसे कि झोपड़ी डाल के लोग रहते हैं तो इनका कहना है चारों तरफ से पानी और हवाएं के झोंके आते हैं, तो तब ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। घर कोनों के ऐसे बने नहीं हैं तो मतलब कोई अच्छे से घर बने हो, सबकी मतलब जी छान छप्पड़ जैसी टपरियाँ डरी जी। बताइए भैया कि जिनके जैसे कि आवास नहीं बने, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है परिवार की? आर्थिक परिवार की स्थिति जैसे खराब ही है, मतलब का महरौनी मजूरी करने जाते हैं जी, खेती का काम है, जो कुछ है सो मतलब बने लगे रहते हैं और काजे में गुजारा चलाते हैं। इसलिए अब हम लोगों के पास इतना रुपया है नहीं है तो हम पने हाथों से बनवा लें मतलब मकान। जितनी गुंजाश है हम लोगों में सो भैया जी पन्नी की गुंजाश है, सो पन्नी डाल ली, पन्नी रेबू करे जी खप्पर छाल है वो कया। तो आपके गांव में ऐसे कितने परिवार हैं जिनको आवास की ज़रूरत है? कम से कम 100 परिवार हैं ज़रूरत, उनको मतलब आवास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आवास की। आवास ना होने से लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत सी तकलीफ है आवास से, जैसे अभी तो जैसे पन्नी डाल के रहते हैं तो बस कारे में इधर से मच्छर भी लगता है, मतलब पानी भी चूमता है और मतलब बहुत प्रकार की बीमारी भी होती हैं, क्योंकि तो पन्नी में बगदर रहता है। हमें तो बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो क्या है वजह, क्या है कि क्यों नहीं बन पा रहे आपके गाँव में? अब क्या जो क्या मालूम, उनके गांव में तो अजान में तो बहुत से बन गए, वो हमारे गांव में तो 2-4 बने, वो नहीं बने। आपकी पंचायत कहाँ लगती है? मिंदरवाहा। और प्रधान कहाँ के हैं? अभी अजान के हैं, पहले मिंदरवाहा के रहे, आज अभी अजान में हैं। तो ये मंजरा उधर ही जुड़ा हुआ? हाँ। तो प्रधान आपके गांव में विकास करवा रहे हैं? आते तो हैं और वैसे भाग जाती है। क्या आप लोगों ने प्रधान जी से मांग की है? जी। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं कि आ जाएंगे, सूची में नाम आ गए, अब आ जाएंगे। आपने अपना सूची में नाम देखा है? हाँ देखा है। कब देखा था? मई में। तो अभी तक आपका पैसा क्यों नहीं आया है? अब ये हमें क्या जानूं दीदी। आपने प्रधान से नहीं बोला कि हमारा सूची में नाम है और हमारा पैसा क्यों नहीं आया है? बोला था प्रधान, ये कह रहे थे कि आपका बजट आ जाएगा जब ही बनेगा। तो आप कितने किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? अब देखो हम तो आवास के लिए जो है हम तरह पूरी तरह से कोई भी आदमी जो पात्र है तो पात्र लोगों को हम बिल्कुल जो सूची में नाम देना है तो हम खुद स्वयं आदमी से बताते हैं या मंगवाते हैं, आधार कार्ड जो भी प्रक्रिया जो सूची बनती है तो हम करवा रहे हैं। अब इसके बाद में शासन का जो ऊपर से पैसा आना है, उनकी जो इच्छा से जैसा होना है, ठीक है, जो भी तो वो सरकार के ऊपर। आपको क्या लगता है उस गांव से कितने परिवार हैं जिनको आवास की जरूरत है? तो लगभग ऐसे 10-25 परिवार हैं, ऐसे 25 तक परिवार हैं कि यहाँ के लोगों को आवास मिलना चाहिए। अपने आवास को लेकर कोई सूची दी है? हाँ हाँ, हमारी सूची बराबर चल रही है, सूची शासन से मांगते हैं जोन डैम पे, तो अपन सूची बकायदा। कितना की सूची दी है? पंचायत से हमारी 108 की अभी सूची पहले हो गई थी, ठीक है, और 25-26 लोगों की हमारी सूची अभी हमारी भेजी है। कब तक बनने की तो उम्मीद ऐसा नहीं है, शासन से जैसा बजट आएगा या 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, महीना भर में, कहूँ 6 महीना में नहीं आया, तो अब जो तो शासन के ऊपर है जैसा बजट।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।